हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कमर दर्द का घर का नुस्खा। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप सबके लिए, और ये बहुत ही पुराना नुस्खा है कमर दर्द का, जो हमारी दादी नानियाँ वगैरह जो है ये हमें बना के खिलाया करती थी गाइस। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं कमर दर्द के नुस्खे में, और ये घर की बनी हुई चीज़ें, आपको दवाइयाँ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नुस्खा आज़मा लें तो आपके कमर दर्द के लिए और पैरों के दर्द के लिए, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सिर्फ ये बड़े बूढ़े ही नहीं, हम बड़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बड़े बूढ़ों को ही प्रॉब्लम होती है कमर दर्द और पैरों में दर्द, ये प्रॉब्लम अब सबको होने लगी है। तो मैंने सबसे पहले इसमें अलसी के बीज लिए हुए हैं 30 ग्राम, और गोंद लिया हुआ है 30 ग्राम, 30 ग्राम हमने गोंद लिया है, और सारे इंग्रेडिएंट्स हमें 33 ग्राम ही लेना है, जिस इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें लेनी है। और ये मैंने लिया है सूरजमुखी के बीज 30 ग्राम, और सूरजमुखी के बीज अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो नेट में भी मिलते हैं, नेट से आप ऑर्डर करवा सकते हैं गाइज। और ये मैंने 30 ग्राम सौंफ लिया हुआ है, हमें इसकी क्वांटिटी का बहुत ही ध्यान रखना है, सारी क्वांटिटी हमें एक सी रखनी है। और ये मैंने लिया हुआ है खरबूजे के बीज, 5 तरह के बीज इसमें मिक्स हुए हैं। अगर आप 5 तरह के बीज नहीं हैं आपके पास, आप 1-2 तरह के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने काले तिल और सफ़ेद तिल 30 ग्राम लिया हुआ है, और मैंने घी लिया हुआ है गोंद को तलने के लिए, और जो मखाने हैं हमारे उसे भी हमें तलना है तो इस वजह से। और ये मैंने लिया हुआ है पोस्ता दाना 30 ग्राम। तो हमें सबकी चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ही ध्यान देना है। और मैंने घी डाला हुआ है फ्राई पैन में, और सबसे पहले हमें गोंद को जो है अच्छे से फ्राई करना है। गोंद को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि उसमें गोंद जब फ्राई हो जाती है तो एकदम से फूल आती है एकदम वाइट वाइट सी, तो हमें गोंद को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले गोंद फ्राई करना है। और जो गोंद है हमने जो लिया हुआ है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। गोंद जो है बहुत ताकतवर होती है हमारे शरीर के लिए। और जो मैंने गोंद को फ्राई किया था, गोंद तैयार हो गई है, और ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। आप देख रहे हैं वाइट वाइट से बड़े दाने फूल आ चुके हैं। तो गोंद को फ्राई कर लिया मैंने। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ मखानों को तलने के लिए, और मखानों को हमें अच्छे से तलना है। मखाने भी मैंने 30 ग्राम लिए हुए हैं। अगर आप मखाने ज़्यादा पसंद है तो आप मखानों को ज़्यादा ले लें, मखाने हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए मैंने 30 ग्राम मखाने लिए हुए हैं। हमें सारी चीज़ों की क्वांटिटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और मखाने आप देख रहे हैं कि मखाने जो है मेरे थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। मखाने में घी जो है, आप अगर ज़्यादा आपको पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा ना डालें, ये 2 ही चम्मच डाल सकते हैं। और मैंने 3 चम्मच घी डाला हुआ है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मखानों को हमें बिल्कुल ही लो फ्लेम में फ्राई करना है मखानों को, क्योंकि लो फ्लेम में ही मखाने जो है अच्छे से एकदम से क्रंची हो जाते हैं लो फ्लेम में, और अगर आपने फास्ट फ्लेम किया है तो फिर वो जल जाएंगे। तो इसलिए मखानों को हमें लो फ्लेम में ही करना है। और मखाने हमारे रेडी हो गए हैं, और अब मैंने डाला है 30 ग्राम सौंफ लिया हुआ है। सौंफ को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करना है, सौंफ को ड्राई फ्राई करना है, इसमें घी नहीं बिल्कुल भी डालना है हमें। और मैंने सौंफ के साथ इसमें मैंने डाला है पोस्ता दाना डाल दिया हुआ है, साथ में ही मैं दोनों को मैं फ्राई कर रही हूँ, और हमें इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करना है ताकि बिल्कुल भी ये कच्चा ना रह जाए। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा फ्राई हो रहा है सौंफ, और मैंने दोनों को साथ में इसलिए डाला कि पोस्ता दाना जो है अकेले फ्राई करेंगे तो वो जल्दी जल जाता है, और हमारा पोस्ता दाना और सौंफ फ्राई हो चुका है। और मैंने ये जो 30 ग्राम मिक्स लिया था, काले तिल एंड सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स मैंने 30 ग्राम लिया हुआ था, तो मैं उसे भी फ्राई अच्छे से कर रही हूँ। तो इसे भी हमें लो फ्लेम में वैसे ही जिस तरह से हमने सौंफ को फ्राई किया है उस तरह से इसे भी अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई करना है, अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने इसे अच्छे से मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ अलसी के बीज
जो मैंने 30 ग्राम लिया हुआ था, और साथ में इसके डाल रही हूँ खरबूजों के बीजे, जो उसे भी मैंने 30 ग्राम लिया हुआ था। तो इन्हें हमें साथ में ही रोस्ट करना है, अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, और हमें दोनों की क्वांटिटी जो है सेम लेनी है। 30 30 ग्राम मैंने दोनों को लिया हुआ है। अगर आपको इसके बीजे जो है नहीं, अगर आपको बाहर से मिल रहे हैं, तो मैं लिंक दे दूंगी नेट से, फ्लिपकार्ट से आप उसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। एंड ये सारे जो बीजे हैं, ये हमें नेट से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं, वहाँ भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। एंड ये भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं, रोस्ट हो चुके हैं बीजे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने सूरजमुखी के बीज लिए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑर्डर किया था मैंने नेट से, मुझे बाहर नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से मैंने नेट से ऑर्डर किया था। इसका भी लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। और ये भी मैंने 30 ग्राम लिया हुआ था, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, इससे ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसे मैंने 30 ग्राम लिया हुआ है, इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। ये हमारे जो बीजे हैं, ये ड्राई रोस्ट काफ़ी हद तक हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये तैयार हो चुके हैं। और अब मैंने फ्राई पैन में डाला है बादाम, मैंने 30 ग्राम बादाम लिए हुए हैं, एंड मैंने इसमें अखरोट डाले हुए हैं, मुझे अखरोट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं जब भी कोई भी, अगर मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, तो ड्राई फ्रूट्स में मैं जो है अखरोट ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ, तो मैंने इसीलिए ड्राई फ्रूट में अखरोट ऐड किया हुआ है। अगर आपको अखरोट नहीं पसंद है, तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अखरोट ऐड किया है। इसे हमें बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, और ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, और इन्हें हमें ठंडा करने पर ही पीसना है। और हमारा ये पाउडर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप 1 चम्मच रोज़ सुबह और शाम दूध के साथ ले सकते हैं, या दूध में डाल के 1 चम्मच आप पी सकते हैं। आप खाइए और बड़ों लोगों को भी खिलाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चीज़, और बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। और आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।